बॉलीवुड के सिल्क स्मिता विद्या बालन इन दिनों अपनी फिल्म शकुंतला को लेकर खूब चर्चाओं में हैं। जल्द ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। वह आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनका ये किरदार सच में ही कंप्यूटर कही जाने वाली शकुंतला से प्रेरित है, या फिर ये कहें कि ये उनकी ही कहानी है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे असली शकुंतला की कहानी। आपको बता दें कि मानव कंप्यूटर के नाम से विख्यात गणितज्ञ एवं ज्योतिषी शकुंतला देवी की संख्यात्मक परिगणना में गजब की फुर्ती थी और सरलता से उन्हें हल करने की क्षमता के कारण उन्हें मानव कंप्यूटर कहा जाता था। इन्होंने अपने समय के सबसे तेज माने जाने वाले कंप्यूटर की गणना को भी मात दी थी। शकुंतला देवी भारत की एक महान शख्सियत और बहुत ही जिंदादिल महिला थी। वर्ष 1980 और 90 के दशक में भारत के गांव और शहरों में यदि कोई बच्चा गणित में होशियार हो जाता था तो उसके बारे में कहा जाता था कि वो शकुंतला देवी बन रहा है। वो बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा की धनी थी। वो सभी गणितीय समस्याओं को उत्तर देने में सक्षम थी और अपने गणितीय शक्ति से लोगों को इस विषय में रुचि पैदा करने के लिए प्रेरित करती रहती थी। मानसिक गणनाएं पलक झपकते ही कर लेने में माहिर शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929 को बेंगलोर कर्नाटक के शहर में एक रूढ़िवादी कन्नड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। शकुंतला देवी एक गरीब परिवार में जन्मी थी जिस कारण वो औपचारिक शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाई थी। युवा अवस्था में इनके पिता ने मंदिर का पुजारी बनने से इनकार कर दिया था। वो मदारी जैसे खेल दिखाने वाली तनी हुई रस्सी पर चलकर लोगों का मनोरंजन करना पसंद करते थे, जिसकी वजह से सर्कस में कलाकार के रूप में कार्य करने लगे थे। जब शकुंतला देवी मात्र 3 साल की थी तब ताश खेलते हुए इन्होंने कई बार अपने पिता को हराया। पिता को जब अपनी बेटी की क्षमता के बारे में पता चला तो उन्होंने सर्कस छोड़ शकुंतला देवी पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन करना शुरू कर दिया और इनकी क्षमता को भी पहले स्थानीय स्तर पर प्रदर्शित किया गया। अपने पिता के माध्यम से रोड शो करने वाले शकुंतला देवी को भी दुनिया में पहचान नहीं मिली थी, लेकिन जब वह 15 वर्ष की हुई तो राष्ट्रीय मीडिया सहित अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इन्हें पहचान मिलने लगी। शकुंतला देवी उस समय पहली बार खबरों की सुर्खियों में आई जब BBC रेडियो के कार्यक्रम के दौरान इनसे अंकगणित का एक जटिल सवाल पूछा गया और उन्होंने इसका तुरंत ही जवाब दे दिया। यह घटना का सबसे मजेदार पक्ष ये था कि शकुंतला देवी ने जो ये जवाब दिया था वो सही था, जबकि रेडियो के RJ का वो जवाब गलत था। शकुंतला देवी ने संसार में 50 से अधिक देशों की यात्राएं की और बहुत से शैक्षिक स्थानों, थिएटर्स और यहाँ तक कि टेलीविजन पर भी अपनी गणितीय क्षमता का प्रदर्शन किया। 27 सितंबर 1973 को विश्व भर में प्रसारित होने वाले रेडियो चैनल BBC द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम नेशन वाइड में उस समय के चर्चित बो वेलिंगस द्वारा गणित में संबंधित पूछे गए सभी जटिल प्रश्नों का सही उत्तर देने के कारण सभी अचंभित हो गए थे। इनकी इस प्रतिभा से इनके प्रशंसकों की संख्या भारत सहित विश्व भर में बढ़ती ही चली गई। इतनी कम उम्र में ही गणित के क्षेत्र में ऐसी अद्भुत क्षमता देखने को उस समय संसार में कहीं नहीं मिला था। विश्व में अपनी गणितीय कौशल की धूम मचाने के बाद अपने देश भारत में पूर्ण रूप से शकुंतला प्रसिद्ध हो गई। इसके बाद इंपीरियल कॉलेज लंदन में इन्होंने 18 जून 1980 को गणित के कठिन प्रश्न का सही उत्तर कुछ सेकंड में देखकर वहां उपस्थित दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया था। 16 वर्ष की अवस्था में इनको प्रसिद्धि तब मिली जब इन्होंने 2 13 अंकों की संख्याओं का गुणनफल 28 सेकंड में निकालकर उस समय इनकी इस अद्भुत क्षमता को देखकर हर कोई इन्हें समय समय पर परखना चाहता था। वर्ष 1977 में शकुंतला देवी को अमेरिका जाने का मौका मिला। यहाँ डालस की एक यूनिवर्सिटी में इनका मुकाबला आधुनिक तकनीकों से लैस एक कंप्यूटर यूनिवेक से हुआ। इस मुकाबले में शकुंतला को मानसिक गणना से 201 अंकों की संख्या का 23वां मूल निकालना था। यह सवाल हल करने में उन्हें केवल 50 सेकंड लगे, जबकि यूनिवेक नामक कंप्यूटर ने इस काम के लिए 62 सेकंड का समय लिया। इस घटना के तुरंत बाद ही दुनिया भर में शकुंतला देवी का नाम भारतीय मानव कंप्यूटर के रूप में प्रख्यात हो गया। शकुंतला देवी के निजी जीवन की बात करें तो उनका विवाह 1960 में कोलकाता के एक बंगाली IAS अधिकारी परितोष बैनर्जी के साथ हुआ। इनका वैवाहिक संबंध बहुत दिनों तक नहीं चल पाया और किसी कारणवश 1979 में ये अपने पति से अलग हो गई। वर्ष 1980 में ये अपनी बेटी के साथ पुनः बैंगलोर लौट आई। यहाँ ये सेलिब्रिटीज और राजनीतिकों को ज्योतिष का परामर्श देने लगी। शकुंतला देवी को फिलीपींस विश्वविद्यालय ने वर्ष 1969 में वर्ष की विशेष महिला की उपाधि और गोल्ड मेडल प्रदान किया। वर्ष 1988 में इन्हें वाशिंगटन DC में रामानुजन मैथमेटिकल जीनियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनकी प्रतिभा को देखते हुए इनका नाम वर्ष 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया। मृत्यु से एक माह पूर्व वर्ष 2013 में इन्होंने मुंबई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इनके 84वें जन्मदिन पर 4 नवंबर 2013 को गूगल ने इनके सम्मान स्वरूप इन्हें गूगल डूडल भी समर्पित किया।
शकुंतला देवी का लंबी बीमारी के बाद हृदय गति रुक जाने के कारण और गुर्दे की समस्या के कारण 21 अप्रैल 2013 को बेंगलोर कर्नाटक में 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया।